एक पेड़ पर सफेद कौवे का जोड़ा रहता था। उसका नाम जॉनी और टोनी था। वे दोनों बहुत नेक और परोपकारी थे। उनके अपने बच्चे नहीं थे, पर वे दूसरे पड़ोसी तोता के बच्चों को बहुत प्यार करते थे। सुनिए जी, मुझे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, फिर भगवान ने हमें बच्चे क्यों नहीं दिए? ऐसा कहते हैं कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। वो देर से सही, लेकिन हमें प्यारे प्यारे बच्चे देंगे। एक दिन कौवा माँ टोनी जैसे ही घोंसले से बाहर निकल कर आई, उसने देखा एक घोंसले में से कोई पक्षी तोते के बच्चे को बाहर धकेल रहा है। वह तेजी से उड़कर उसके पास पहुँच गई और देखा तो वह एक जालिम कौवा था। टोनी ने उसे बड़ी जोर से डांटा और बच्चे को अंदर कर लिया। यह तुम क्या कर रहे हो? एक छोटे से बच्चे को घर से बाहर धकेल रहे थे, उसकी जान लेना चाहते थे। कोई तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? ये मेरा घोंसला था, तोता ने इस पर कब्जा जमाया था। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तुम झूठे हो, भाग जाओ यहाँ से, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा। उसी समय जॉनी कौवा के साथ दूसरे पक्षी भी आ गए। वह कौवा डर गया और वहाँ से भाग गया। जॉनी और टोनी ने तोते के डरे हुए बच्चे को ढांढस बंधाया। बच्चों डरो नहीं, तुम्हारी माँ कहीं गई है तो क्या हुआ? हम तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ मौजूद हैं। भूख लगी है, कुछ खा लो। टोनी द्वारा दिया हुआ खाना तोते के बच्चे खाने लगे। टोनी ने बच्चों को बहुत प्यार से देखा और वहाँ से उठकर अपने घोंसले में चली गई। कुछ दिन बीत गए। टोनी ने अपने घोंसले में दो अंडे दिए और कालांतर में उसमें से प्यारे प्यारे दो बच्चे भी निकले। उन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। टोनी उन्हें बड़े प्यार से रखने लगी। कुछ दिन बाद वह खाने की तलाश में बाहर उड़ गई। वह नदी के पार चली गई थी। वह जब लौट रही थी तब तेज बरसात शुरू हो गई। उस समय वह नदी के ऊपर उड़ रही थी। उसके पंख पूरी तरह भीग गए और वह नीचे आ गई। नदी के पानी ने भी उसकी मुश्किल को और बढ़ा दिया। वह बार बार उड़ने के लिए ऊपर उठती और भीगे पंख उसे फिर से नीचे पटक देते। वह असहाय हो गई। उसकी मदद करने वाला वहाँ कोई नहीं था। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? उधर मेरे बच्चे भूखे हैं और इधर मैं जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही हूँ। उधर घोंसले में बैठे हुए जॉनी और उसके बच्चे टोनी माँ की लाचारी को देख रहे थे। अपनी माँ को मुसीबत में देखकर बच्चे बिलख पड़े और जॉनी भी असहाय देख रहा था। एक बार उसने उड़कर कोशिश भी की तो भीग कर वह उड़ न पाया और फिर से लौट आया। जॉनी और उसके बच्चों की आंखों के सामने टोनी संघर्ष की लड़ाई हार गई और नदी में बहती हुई चली गई। कुछ देर में बरसात रुक गई, लेकिन जॉनी और उसके बच्चे टोनी की जुदाई के गम के सागर में डूब गए। बाबूजी, माँ को लेकर आइए, मैंने देखा वह तैर नहीं पा रही थी। आ जाइए, माँ को लेकर आइए, उनके बिना हम नहीं रहेंगे। जॉनी वहाँ से उड़ा और नदी के पास चारों तरफ उड़ता रहा। उसने उड़कर बड़ी देर तक टोनी की तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। वह निराश होकर लौट आया। दोनों बच्चे रोने लगे। उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था। उनकी दुनिया उदास हो चुकी थी। जॉनी कौवा कुछ दिन तक उदास था, लेकिन बाद में उसने अपने आप को समझा लिया। एक दिन जॉनी कौवा अपने साथ एक मादा काले कौवे को लेकर आ गया। देखो बच्चों, ये तुम्हारी नई माँ टीना है। ये तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगी। तुम दोनों अभी छोटे हो, इसलिए तुम्हारी देखभाल के लिए तुम्हारी टीना माँ तुम्हारे पास आ गई है। बाबूजी, क्या यह हमारा पूरा ख्याल रखेंगी? हमें मारेंगी तो नहीं? नहीं नहीं बच्चों, मैं तुम्हें माँ का प्यार दूंगी, तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। दो दिन तक तो टीना बड़े ही साधारण ढंग से रही, लेकिन उसके बाद उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन सवेरे सवेरे टीना ने दोनों बच्चों की शिकायत जॉनी से की। यह दोनों बड़े ही शरारती हैं। रात में घोंसले में मुझे ठीक से सोने नहीं देते, दिन में भी शोर मचाकर परेशान करते हैं, मेरी कोई बात नहीं सुनते। देखो, तुम दोनों अपनी माँ को परेशान कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। आइंदा नालायकी की तो बहुत बड़ी सजा दूंगा, यहाँ से भगा दूंगा। जॉनी के जाने के बाद
टीना दोनों बच्चों को चोंच से मारने लगी। वे बेचारे चुपचाप मार सहन करते रहते। कुछ देर बाद भीमा बोल उठा, माँ आप कैसी माँ हैं? हमारी टोनी माँ हमें कभी नहीं मारती थी, वह हमें बहुत प्यार करती थी, हमारी गलतियों को माफ कर देती थी। तुम दोनों को अपनी टोनी माँ की बहुत याद आ रही है ना? हाँ बहुत याद आती है, रोज याद आती है। तो ठीक है, तुम दोनों को तुम्हारी टोनी माँ के पास पहुँचा देती हूँ, वहाँ माँ का असली प्यार मिलेगा। इसके लिए तुम दोनों को मरना पड़ेगा। इतने में एक आवाज आई, मेरे चीते जी मेरे बच्चों का कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। भीमा और चीमा ने मुड़कर देखा तो खुशी से उछल पड़े। पीछे उनकी टोनी माँ डाल पर बैठी थी। माँ तुम आ गई, मेरी माँ आ गई, मेरी माँ आ गई। माँ तुम इतने दिनों तक कहाँ थी? मेरे प्यारे बच्चों, मैं मौत के जबड़े में जाकर वापस आई हूँ। उस दिन के बाद मैं कई दिनों तक बेहोश थी। होश आया तो नदी के किनारे एक हंसिनी के घोंसले में पड़ी थी। उस हंसिनी ने मेरा बहुत ख्याल रखा। माँ तुम वापस आ गई हो, हमारी जिंदगी फिर से पहले की तरह खुशहाल हो गई है। हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम कहीं दूसरी जगह अपना घोंसला बनाएंगे। जॉनी कौआ भी आ गया था, दूसरे तोता पक्षी भी इकट्ठा हो गए थे। सभी ने जॉनी को टीना की सच्चाई बताई। टीना सर झुकाकर मुलजिम की तरह खड़ी थी। मेरे बच्चों, मुझे सारी हकीकत ज्ञात हो गई है। अब तुम्हें सौतेली माँ का नहीं, अपनी असली माँ का प्यार फिर से मिलेगा। बच्चे अपनी असली माँ को फिर से पाकर ऐसे खुश हो गए जैसे उजड़े हुए चमन में बहार आ गई हो। टोनी माँ भी प्यारे बच्चों पर अपना प्यार और ममता लुटाने लगी। उदयाचल जंगल में एक सफेद रंग की कौवा रहती थी। उसे सभी पक्षी गोरी कौवा के नाम से जानते थे। उसने 3 अंडे दिए थे और उसे अपने अंडों में से बच्चों के निकलने का बेसब्री से इंतजार था। गोरी कौवा बोली, मेरे प्यारे प्यारे लाडले बच्चों, अब मुझे सब्र नहीं हो रहा है। तुम जल्दी से जल्दी बाहर आ जाओ, तुम्हारी प्यारी आवाज सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। जब तुम माँ कहकर बोलोगे तब मेरे कान में जैसे अमृत घोलेगा। एक कोयल गोरी कौवा की बात बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। उसे भी अंडा देना था और वो गोरी कौवा के पास पहुंच गई। बहन आप बड़ी किस्मत वाली हैं। अब जल्दी ही आपके अंडों में से प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आएंगे। वे सभी बाहर निकलकर आपका मनोरंजन करेंगे और आपका दिल बहलाएंगे। आपको जब भी बाहर जाना हो, कुछ लाना हो, तो आप मुझे बताइए, मैं आपके अंडों की रक्षा के लिए यहाँ बैठी रहूंगी। गोरी कौवा बोली, कोयल बहन ये तो तुमने बहुत अपनेपन से भरी हुई बात कही। मुझे एक अच्छा साथ और सहारा मिल गया। अब मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करके कहीं भी जा सकती हूँ। कुछ देर के बाद गोरी कौवा कुछ खाने पीने की तलाश में वहाँ से जाने के लिए तैयार हो गई। उसने कोयल को इशारा किया और अपने पास बुला लिया। कोयल बोली, कौवा बहन तुम निश्चिंत होकर जाओ, जंगल में घूम कर खाओ, फिर आराम से आओ, मैं यहाँ पे तुम्हारे अंडों की रक्षा करूँगी। गोरी कौवा वहाँ से उड़कर जंगल की तरफ चली गई और कोयल उसके घोंसले में बैठ गई। कोयल ने अच्छा मौका देखकर वहीं पर एक अंडा दे दिया और गोरी कौवा का इंतजार करने लगी। कुछ देर के बाद गोरी कौवा आ गई और उसने कोयल को धन्यवाद देते हुए अपने घोंसले पर नजर डाली तो वो चौंक गई। वहां 3 अंडों की जगह पर 4 अंडे दिखाई पड़े। गोरी कौवा बोली, अरे ये एक अंडा बढ़ कैसे गया? यह ऊपर वाले का चमत्कार है। मैंने इससे पहले भी ऐसे चमत्कार देखे हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम्हें एक चमत्कारी बच्चा मिल गया है। दूसरे ही दिन गोरी कौवा के अंडे से एक काले रंग का बच्चा बाहर निकल आया। गोरी कौवा बोली, मेरे प्यारे बच्चे तुम्हारा इस दुनिया में स्वागत है। तुम्हारा नाम सलोना है। अब तुम्हारे बाद दूसरे भी बच्चे आ रहे हैं। इतने में अगले अंडे में से एक सफेद रंग की चूजा बाहर आ गई। गोरी कौवा बोली, आओ प्यारी गुड़िया, आओ खेलो कूदो मन बहलाओ। इसके बाद फिर से 2 काले रंग के नर और मादा चूजे बाहर आ गए। गोरी कौवा अपने चारों बच्चों को समान रूप से प्यार देने लगी। कोयल भी बीच बीच में आकर बच्चों की देखभाल करती थी। वे चारों बच्चे बड़े होने लगे। उसमें से एक बच्ची जो कोयल थी वो कोयल की तरह दिखने लगी। उसका नाम सुरीली रख दिया गया। वो जैसी ही थी वो अपनी प्यारी सुरीली आवाज सुनाकर सबको खुश कर देती थी।
गोरी कौवा उसे भी उतना ही प्यार करती थी जितना कि अन्य बच्चों से करती थी। गोरी कौवा बोली, यह सब परमपिता परमेश्वर की कृपा है। इन प्यारे बच्चों के साथ रहने पर जो आनंद मिलता है वह स्वर्ग सुख से भी बढ़कर है। उसकी आवाज उसकी असली माँ कोयल के भी कानों में पहुंच जाती थी। कोयल अक्सर उड़कर उसके पास आ जाती थी। एक दिन कोयल गोरी कौवा के घोंसले में पहुंची और सुरीली से प्यार करने लगी। सफेद रंग की चूजा गुड़िया सोचने लगी और कोयल से पूछ बैठी। गुड़िया ने कहा, चाची एक बात बताइए कि आप सुरीली से ही बहुत प्यार क्यों करती है? सुरीली की आवाज बहुत प्यारी है, शायद इसीलिए आप उससे प्यार करती है। कोयल इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाई। इतने में वहाँ गोरी कौवा आ गई। गोरी कौवा ने कहा, कोयल बहन मैं जानती हूँ कि सुरीली आप ही की बेटी है। आपको अपने बच्ची से बहुत प्यार है, आपका इस पर अधिकार है, आप इसे ले जा सकते हैं। मैं जानती हूँ चौथा अंडा आप ही का था। कोयल ने कहा, हाँ बहन तुम सही कह रही हो, मैं स्वार्थी हूँ, मतलबी और आलसी हूँ। मैंने अपने लिए घोंसला भी नहीं बनाया और अपने अंडों को तुम्हारे पास रख दिया। तुमने इसे पाला, अब तुम्हारा ही अधिकार इस पे है। बहन तुम्हारा अधिकार सबसे ऊपर है, तुम इसकी वास्तविक माँ हो। सुरीली बिटिया यही तुम्हारी असली जन्म देने वाली माँ है। इनके साथ जाओ, इन्हें संतान का सुख प्रदान करो। सुरीली बोली, नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़कर किसी के पास भी नहीं जाऊंगी। मेरी असली माँ तुम ही हो, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। यह चाची हमारे पास घोंसला बनाकर रह सकती है, लेकिन मैं तुम्हारे घोंसले में ही रहूंगी। गोरी कौवा बोली, हाँ बहन यही पास में ही घोंसला बना लो और सभी बच्चों का ध्यान रखो। कोयल ने आलस का त्याग कर अपने लिए एक अच्छा सा घोंसला बनाया। गोरी कौवा और बच्चों ने भी उसकी मदद की। उसके अपने अंडे से भी बच्चे हुए और वे अपनी सुरीली आवाज से आसपास आनंदमय वातावरण बना देते थे। गोरी कौवा सभी बच्चों पर प्यार और ममता लुटा रही थी। कोयल गोरी कौवा की भावना, ममता और उपकार को कभी नहीं भूल पाई।